हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछली क्लास में, उसके आगे पढ़ेंगे। और पिछली बार में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री पर क्या ज्योग्राफिक प्रभाव पड़ता है, और मैप्स और मेडिवल इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। एन अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी मेड ए वर्ल्ड मैप इन 1154। एक अरब ज्योग्राफर था जिसका नाम अल इदरीसी था। उसने एक विश्व का एक मैप बनाया था 1154 ईस्वी में। मैप वन इज ए पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड मैप दैट शोज ए डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसने जो है टोटल दो मैप बनाए थे। उसका जो फर्स्ट मैप है उसमें, उस वर्ल्ड मैप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, उपमहाद्वीप को विस्तार से उसने दिखाया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और उसके जो आसपास के जो कंट्रीज है उनको शामिल किया जाता है। मैप टू वाज मेड बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर इन द 1720, आई ए नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप वन। उसके बाद जो मैप टू है वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में बनाया था, जो कि मैप वन के बनने के लगभग 600 साल बाद में बनाया गया था। दिस वाज पार्ट ऑफ एन एटलस नोव्यू ऑफ गुलोमी डे आइसले। यह जो मैप था वो एक एटलस का भाग था, जिस एटलस का नाम था नोव्यू ऑफ गुलोमी डे आइसले। Although both the maps show the same area, Indian subcontinent, they are quite different from each other. यद्यपि दोनों ही जो मैप्स है वो सेम एरिया दिखाते हैं, जैसे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लेकिन वे आपस में थोड़े बहुत डिफरेंट है। मैप वन शोज द साउथ एंड श्रीलंका ऑन द टॉप, दैट इज इट शोज साउथ इंडिया वेयर इट शुड बी नॉर्थ इंडिया। मैप वन जो था उसने जो दक्षिण की जो साइड है, साउथ वाली जो साइड है, और श्रीलंका को उसने एकदम टॉप पर बताया था, और उसने नॉर्थ साइड पर उसने साउथ इंडिया को दिखाया था। वाइल इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ मैप टू, हियर साउथ इंडिया एंड श्रीलंका इज गिवन एट द बॉटम ऑफ द मैप। लेकिन यह सब मैप टू में नहीं था। मैप टू में साउथ इंडिया और श्रीलंका को एकदम बॉटम में या एकदम नीचे की तरफ दर्शाया गया था। इन मैप वन प्लेस नेम्स आर मार्क इन अरेबिक एंड सम वेल नाउन नेम्स आर स्पेल्ट डिफरेंटली, वाइल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैप टू इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली, मैप टू इज मोर फेमिलियर टू अस। मैप वन में जो प्लेसेज के जो यहाँ स्थानों के जो नाम है वो अरेबिक में दिए गए हैं, और कुछ स्पेशल जो प्लेस है उनके नाम भी कुछ अलग ही लैंग्वेजेस में हैं, जो कि समझना मुश्किल है। जबकि मैप टू में जो सब कॉन्टिनेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी चेंज हो गई,
और मैप टू जो है वो बहुत ही इजी हो गया है। इन दिस वे वी फाइंड दैट द कार्टोग्राफी इन दीज टू पीरियड डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि इन दोनों समयों के बीच में या इन दो काल के बीच जो कार्टोग्राफी है वो काफ़ी चेंज हो गई थी। कार्टोग्राफी यानी मैप जो बनाने की जो कला है वो काफ़ी चेंज हो गई। दैट इज़ वाई वाइल स्टडिंग डॉक्यूमेंट मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट हिस्टोरियंस टेक्स इनटू अकाउंट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड। इसलिए जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है और मैप और जो पुराने टेक्स्ट है संदेश है उनका अध्ययन करते समय जो इतिहासकार है वो उन अकाउंट्स को या फिर उन बुक्स का अध्ययन करते हैं जिसमें कि विशेष इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई हो। अगला टॉपिक है चेंजिंग नेम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उप महाद्वीपों का परिवर्तित नाम। हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन मैनी लैंग्वेजेस। जो ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बहुत सारी भाषाओं में हैं। बट वी ऑब्जर्व दैट दीज लैंग्वेजेस हैव चेंज ओवर द ईयर। पर हमने यह पाया है कि यह जो भाषाएं हैं वो हर साल बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिवल पर्शियन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। उदाहरण के लिए जो मेडिवल पर्शियन थी वो आधुनिक जो पर्शियन है उससे काफ़ी अलग थी। दीज चेंजेस हैव ऑक्योर्ड नॉट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी बट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो। ये जो परिवर्तन है ये ना केवल व्याकरण में बल्कि शब्दावली में भी हुए हैं जिससे कि जो शब्द है उनका जो अर्थ है वो चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज इन मैनी वेज। एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड है हिंदुस्तान जिसका जो सालों इतने सालों में उसका जो अर्थ है वो काफ़ी चेंज हो गया है। इन द 13th century मिनहाई ई सिराई ए पर्शियन राइटर एंड हिस्ट्रियन मेंट हिंदुस्तान एज द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। 13वीं सदी में एक पर्शियन इतिहासकार जिसका नाम था मिनहाई सिराज जिसने बताया था कि जो हिंदुस्तान है वो पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जो ज़मीन है उससे मिलकर बना है। ही यूज्ड द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट केम अंडर द दिल्ली सल्तनत। उसने इस हिंदुस्तान जो टर्म है उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल सेंस में किया था, राजनीतिक सेंस में उसने किया था और जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन आता है। वाइल इन द अर्ली 16th century बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी द फौना एंड द कल्चर ऑफ द
inhabitants of the subcontinent. सोलहवीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान को उसकी ज्योग्राफी के अनुसार, जैसे कि यहाँ की वनस्पति और यहाँ के निवासियों के कल्चर के आधार पर, इसको उसने हिंदुस्तान नाम दिया था. अमीर खुसरो, ए 14th सेंचुरी पोइट, यूज्ड द टर्म हिंद इन द सिमिलर वे. इट डिड नॉट हैव द पॉलिटिकल मीनिंग. अमीर खुसरो जो एक 14वीं सदी का एक कवि था, उसने अपनी कविताओं में हिंद शब्द का यूज किया था, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था. बट टुडे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एज द मॉडर्न नेशन स्टेट. बट पर आज के समय में हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक आधुनिक राष्ट्र है. द टर्म डज कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग. और जो हिंदुस्तान शब्द है वो एक राजनीतिक और राष्ट्रीय शब्द है. ओके, आज की क्लास अवर होती है. थैंक यू.